हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैजिशियन हॉग। आप सभी दोस्तों को मैजिशियन हॉग यूट्यूब चैनल और आज के एक नए मैजिक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज एक बहुत ही गजब का और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक लेके आया। सबसे पहले आज के इस वीडियो में इस मैजिक को हम करके दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि मैजिशियन लोग बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से इस मैजिक को कैसे करते हैं चुटकी में। तो दोस्त, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में तीन कार्ड है, जो कि एक रैंडम कार्ड है, तीन कार्ड है। आपके आंखों के सामने इस कार्ड को हमने साइड कर दिया है और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। मेरे पास एक फ्रेम है जो कि ये सारो साइड जो है इसकी प्लास्टिक के है और बीच में एक शीशा लगा हुआ है। दोस्त, अगर हम इसको इस साइड से खींचेंगे तो नहीं आता है, इस साइड से भी नहीं आता है, इस साइड से खींचेंगे नहीं, इस साइड से भी नहीं, मतलब ये ऊपर नीचे कहीं नहीं होता है, थोड़ा सा लूज है। और इसमें दोस्त कोई सुराग वगैरह, कोई फटा हुआ कुछ भी नहीं है, एक क्लियर आपको दिख रहा है कि एक फ्रेम के अंदर में शीशा फंसा हुआ है। तो दोस्त, यहाँ पे मैजिक क्या होगा? मैजिक देखिए, हम यहाँ पे रैंडमली एक कार्ड उठाते हैं जो कि किंग है डायमंड्स के, और इस कार्ड को हम दोस्त इस फ्रेम के अंदर में इस तरीके से हम इसको फंसा लेते हैं। देखिए, हमने इसके अंदर में फंसा लिया है, इस किंग ऑफ डायमंड्स को फंसा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस डॉट पेन से यहाँ पे हम एक सुराग करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सुराग कर लिया है और ये आर पार भी हो रहा है। हमने इस डॉट पेन को यहाँ से निकाल लिया, आप बिल्कुल सुराग यहाँ पे दिख पा रहा है। हम इस साइड से भी एक बार आपको निकल के दिखा देते हैं कि ये आर पार हो चुका है। दोस्त, हम इसको निकल के साइड में रख देते हैं और इस कार्ड को इस बार हम यहां से निकलते हैं दोस्त आपके आंखों के सामने, जो कि यहां पे कोई होल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई सुराग नहीं है, कोई फटा हुआ नहीं है, पर ये कार्ड यहां पे सुराग हो चुका है। तो दोस्त, मैजिक कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखे, और वीडियो अच्छा लगे तो कर देना एक लाइक। और जो भी दोस्त मैजिक पे इंटरेस्टेड है, मैजिक देखना सीखना पसंद करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि ऐसे ही यूनिक मैजिक ट्रिक वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप देख पाए, सबसे पहले आप सीख पाए। तो चलते हैं इस मैजिक की ट्यूटोरियल की ओर कि आखिरकार ये मैजिक कैसे होता है। तो दोस्त, कैसे होता है इस आइटम से मैजिक, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेस भी कर सकते हैं। दोस्त, ये एक पहचान है, यानी सुराग जो है वो इस साइड में है, इस साइड में यहाँ पे है। दोस्त, यहाँ पे छोटा सा एक लॉग है, सुराग आके यहाँ पे फंस जाता है, मतलब आप कितना भी कोशिश करें ये ना इधर आएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे, ना डाई जाएगा, ना बाई, यानी वहीं पे ये फंसा हुआ है जब तक ना हम इसके अंदर में एक कार्ड डालें। देखिए, हम आपको कार्ड डाल के दिखा रहे हैं, हमने कार्ड डाला है दोस्त। तो कार्ड डालते ही ये जो लॉग है थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे शायद दिखेगा नहीं, मतलब छोटा सा एक लॉग है। तो यहाँ पे ये अभी फ्री हो चुका है, हम अगर इसको खींचेंगे तो देखिए, आराम से देखिए, ये सुराग बीचों बीच में आ चुका है, बीचों बीच में आ चुका है, ये सुराग बीचों बीच में है फिलहाल। जैसे ये कार्ड का साथ ऐसे खींचता है, कार्ड तो बाहर आ जाता है और लग यहाँ पे लॉग हो जाता है, फिर कितना भी कोशिश करें ये नहीं होता है। तो दोस्त, ये बनाया है कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो लॉग है दोस्त वो इस साइड में है, इस साइड में है, तो इसका हिसाब क्या है, जैसे इसको इस साइड से सरकाएंगे तो ये आहिस्ता आके बीच में रुक जाएगा, बीचों बीच में रुक जाता है, मतलब अभी पेंसिल पार हो जाता है या फिर डॉट पेन पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। जैसे कार्ड के साथ पेंसिल निकलने के बाद कार्ड के साथ इसको खींचता है तो ऐसे खींचता है, खींचते समय आके ये फिर से लॉग पे लॉग हो जाता है। तो आप चाहे यहाँ पे शीशा भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी प्लास्टिक के, सफेद प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही दो प्लास्टिक आपको लेना है। और इसका हिसाब क्या है दोस्त, ये यहां से ये देखिए लॉग है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह खाली है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह खाली है, ये सरकता हुआ इस साइड जब आएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जगह इस साइड खाली होगा, और ये मिडिल पे जो होगा इसका जो रास्ता है ये बराबर उसका साइज के हिसाब से उसको रखना है, थोड़ा बहुत लूज ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, और ऐसे ही इसको बनाना है, बस आप बना पाएंगे। थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक लीजिएगा, आराम से बन जाता है। ऐसा ही दो लेना है, आप बीचों बीच में मतलब उस शीशा हो या फिर उस प्लास्टिक के हिसाब से
आप छोटा सा एक पार्ट लगा दीजिए चारों साइड में, चारों साइड पे लगा के इसको मतलब लॉक कर दीजिए अच्छे लिक्विड से, बस लॉक हो जाएगा, बन जाएगा आपका आईटी पैनल। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।